मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। इट्स रियल टाइम एक्सपीरियंस इन जावा। सर अभी आए हैं इतनी जल्दी क्लास क्यों सर? जान पहचान बढ़ाकर बाद में शुरू करते हैं क्लास। सबका वन ईयर का एग्रीमेंट है ना, एक साल यहीं रहोगे, आराम से कर सकते हैं। यहाँ रियल टाइम एक्सपीरियंस के बारे में कितने लोग जानते हैं? हेलो हेलो यू स्टैंड अप। तुम बताओ। एक साल का अग्रीमेंट है ना सर, एक साल यहीं रहूंगा, आराम से जान लूंगा। सर तो इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन लगता है लड़की हो गई। सुनो यहाँ के फालतू जोक्स यहाँ मत सुनाओ। अरे नहीं नहीं, ये गांव वाले हैं सर, बिल्कुल फ्रेश है, सिटी के लिए अलग से लेकर आऊंगा। ये तो सेट हो रही है, हाथ से मत जाने दे संजू। हेलो टॉक टू मी इन इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम से ही हो ना? सर मेरा मानना है कि हम भारत में हैं, इसलिए इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, हिंदी में बात कीजिए। फुल टू। अच्छा आप जानते भी हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को लुप्त होने से कौन बचा रहा है सर? हम जैसे गांव वाले लोग जो बात बात पर इंग्लिश नहीं बोलते। पता नहीं तुम जैसे को ये नौकरी क्यों और किसने दी। अपने रिज्यूमे में कितनी लैंग्वेजेस लिखी थी तुमने? तेलुगु इंग्लिश हिंदी। मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। सर हाथ से लिखूं या कंप्यूटर में लिखूं, मुझे ये तीन ही आती है, तेलुगु इंग्लिश हिंदी। मैंने पूछा था सी सी प्लस प्लस जावा इनके बारे में। आई सी। जो सवाल किया है उसका जवाब दे दो, ये आई सी क्या है? अपनी हॉबीज क्या लिखी थी? मतलब सच वाली बताऊं या रेज्यूमे में लिखा है वो बताऊं? क्या अलग अलग है? इट्स नेचुरल। पहले अपनी बताओ, बाद में जो रेज्यूमे में है वो बताओ। अब गांव वाले की क्या हॉबीज होती है सर? माँ को बताकर मूवी देखना, पापा को बिना बताए सिगरेट पीना, खाली वक्त में क्रिकेट खेलना और वक्त निकाल कर लड़कियों को लाइन मारना। लेकिन रेज्यूमे में रीडिंग बुक्स, वॉचिंग न्यूज, ओहो ब्राउजिंग नेट। तुम्हारे आगे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। इट्स ग्रांटेड। अच्छा शादी से पहले अपनी बीवी को बता देना कि तुम कुछ अजीब हो, नहीं तो बेचारी लड़की की बलि चढ़ जाएगी। अरे शादी कौन करेगा सर? आपको पता है एक सर्वे हुआ था जिसमें इंडिया के हर 1000 लड़कों के सामने 945 लड़कियां ही बची हैं। इसका मतलब 55 लड़के ऐसे ही सिंगल रह जाते हैं और शादी ना होने की वजह से पता है वो क्या बन जाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा बन जाते हैं। और वही वो 945 लोग पता है क्या कर रहे होते हैं? क्या कुकर की 6 सीटी बजी है या 5 ही बजी है? घर से आते वक्त मैंने गैस तो बंद किया था कि नहीं? अब और हमेशा यही सोचते हैं मैं अपने बच्चे को होनहार बनाऊंगा, इसलिए इसे नेशनल स्कूल में पढ़ाऊं या फिर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊं। इसी के साथ वो इस कंफ्यूजन में जीते रहते हैं। अब ऐसी लाइफ किसे चाहिए सर? थैंक यू। क्या तुम कल ऑफिस आओगे? आऊंगा ना सर। तो मैं नहीं आऊंगा। वो क्यों सर? हाँ बस ऐसे ही, बाय। कमाल। चलो भाई।